नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डाल लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू में बड़े ही टूट की खबर सामने निकल कर आ रही है। जेडीयू में जी आप, जब से आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाई गई है, उस समय से लेकर अभी तक लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूरी खबर 5 मिनट के अंदर विस्तार से। तेज प्रताप यादव अब बिजनेसमैन हो गए हैं। तेज प्रताप यादव द्वारा एलआरएल अगरबत्ती का शुभारंभ किया गया, जिस अगरबत्ती को बनाने की कंपनी क्लेम करती है कि वेस्टेज फूलों से बनाया जाता है इस जिया अगरबत्ती को, और तेज प्रताप यादव अपने एक मित्र से जिया काफी प्रभावित हुए। देखिए क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट के अंदर आपको बताएंगे बिहार की मौसम समाचार, और इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का सबसे अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां कार बाइक समेत एक तल्ले मकान डूबे हुए नजर आए, और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर विस्तार से। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाइयों के बीच में आम जनता ने कहा कि नहीं चलेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं भारी घोटाला, जिसके कारण बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार गिरना तय। साथ ही साथ बिहार के युवा मांगे रोजगार, रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव कर सकते हैं सरकार का घिराव, और इसको लेकर जन आंदोलन करने की तैयारी शुरू। देखिए क्या है बड़ी खबर विस्तार से। बिहार में बड़ी समस्या, नहीं मिल पा रहा युवाओं को रोजगार, जिसको लेकर 19 लाख युवाओं को रोजगार देकर सत्ता में आने की कोशिश की एनडीए ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद भी नहीं थम रहा अवैध तरीकों से बेचने वाले कारोबारी का कारोबार। करोड़ रुपए लगाकर इन्वेस्ट कर जी हां कर रहे हैं इस तरीके के बड़े कारोबार को, बड़े पैमाने पर बिहार में पकड़ा गया शराब। देखिए क्या है बड़ी खबर। वहीं नल जल योजना में घोटाला पाए जाने पर नहीं बख्शे जाएंगे मुखिया और वार्ड, इसको लेकर सरकार ने साफ तौर पर यहां पूरी योजना बना लिया है किस तरीके से नल जल योजना के घोटाला करने वाले लोगों की ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में विस्तार से महज 5 मिनट में बताया जाएगा, तो खबरों को अंत जरूर देखिएगा। वहीं चिराग पासवान को आज फिर से लोगों का मिला आशीर्वाद। आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग पासवान ने बिहार के तमाम जिलों में पहुंचकर लोगों की आशीर्वाद लेने की कार्य कर रहे हैं, और इसी दरमियान कई जिलों के साथ उन्होंने संवाद किया और कई जिलों के साथ उन्होंने जिया लोगों से मिलने का कार्य किया। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसान सम्मान निधि योजना द्वारा मिलने वाले 2000 रुपए की राशि को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी जी हाँ 2000 रुपए की राशि लेते हैं तो देखिए क्या है बड़ी खबर। वहीं आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में, अगर आप भी बिहार के किसी भी गाँव से आते हैं तो आप भी अपने गाँव का नाम कॉमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि बिहार के गाँव में लगने जा रहा है सोलर स्ट्रीट लाइट, जिससे गाँव के भी जी स्मार्ट होने की। वहीं बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बिहार में अगस्त से होंगे पंचायत चुनाव, जानिए आपके पंचायत के चुनाव कब कराए जाएंगे। हाईटेक और सुविधाओं से उपलब्ध रहेंगे बिहार के पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के अंदर कई सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध, और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना की तीसरी वेव आने के सबसे बड़े संकेत, और तीसरी वेव में कोरोना चेंज पाया जाएगा, नहीं हो सकता वैक्सीनेशन के सेंटरों से यह कोरोना की खबर। देखिए क्या है बड़ी खबर। तो सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएं, उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, हमारी भी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जेडीयू के मंत्रिमंडल में जगह एक मिलने से काफी नाराज बताई जा रही है जेडीयू। जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसके बाद में चर्चाएं जिनकी थी अब उनकी चर्चाएं खत्म हो गई। हालांकि पहली बार जिस तरीके से यहां जेडीयू के साथ व्यवहार किया गया और जेडीयू को मंत्रिमंडल के अंदर एक सीट दी गई, इसको लेकर बताया जाता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर चर्चा पहले से थी कि मंत्रिमंडल में जगह इन्हें दी जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह ना दी गई और आरसीपी सिंह को जगह दी गई। इसके बाद में जातिवाद का भी आरोप जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगता हुआ दिखाई दिया।
कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जात के व्यक्ति अर्शिपित सिंह को जो मंत्री बनाया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं घमासान मच गया है। और अर्शिपित सिंह मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद में मुख्यमंत्री के खासम खास रहे, कभी उन्हें बधाई नहीं दी गई। मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से बाढ़ समेत अनेक मुद्दे पर ट्वीट किया जाता है, उसी तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह अर्शिपित सिंह को मिलने पर ना तो खुशी जताई गई और ना ही कुछ, जिससे लगता है कि जेडीयू में बड़ा घमासान मचने का संकेत है। लगता है कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू के जी अर्शिपित सिंह को जहां मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बधाई देते तो कहीं ना कहीं नाराजगियां सामने आ सकती थी। कई ऐसे दल थे, कई ऐसे नेता थे जो जी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो सकते थे, वहीं जनता दल यूनाइटेड से अलग हो सकते थे, जिनको देखते हुए अभी तक बड़ा खबर आ रहा है। तो नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान जो है वो खुशहाली का वो नहीं सामने आया, जिसको देखते हुए अब इसको लेकर बताया जाता है कि जेडीयू में, जी हाँ आपको बता दें कि जेडीयू में आप कहीं ना कहीं घमासान मच गया है। और जेडीयू के मचे घमासान का कारण एक ही हो सकता है, आरसीपी सिंह का जी हाँ मंत्रिमंडल में जगह मिलना, क्योंकि मंत्रिमंडल में उसी व्यक्ति को जगह दी गई जो कि जनता दल यूनाइटेड में घमासान मच सकता है, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार ने कभी बधाई नहीं दिया। ऐसा खबर निकल कर आ रहा है अंदर खानों से कि जेडीयू में यह घमासान मच सकती है और एक मंत्रिमंडल सीट मिलने से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, जेडीयू किनसे नाराज होगी और किस तरीके से जेडीयू नाराजगी अपनी जाहिर करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के अंदर एक मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसको लेकर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल की जगह और समाधान किए और उन्होंने मंत्री बनने का काम किया। बहुत जल्द जी आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी है, इसको लेकर किसे बनाया जाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। में लगातार हो रही बारिशों के कारण कई जिलों में जल जमाव है, तो कई जिलों में बाढ़ जैसे माहौल। अब इसी के साथ मौसम विभाग ने जारी अलर्ट के अंदर लोगों को घरों में बने रहने की अपील की है और साथ ही साथ इस बात का जी संकेत दिया है कि किसी भी वक्त बिहार में भारी बारिश जो है वो आ सकती है। हालांकि आज छमाछम बारिश बिहार के कई जिलों में हुई, जिसमें से शामिल रहे गोपालगंज, सिवान, छपरा, पटना और इसी के साथ कई ऐसे जिले हैं जो कि साथ में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि जिस जिलों में बाढ़ जैसे माहौल है वहां पर हवाई सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को मुहैया कराई जा सके। एनडीआरएफ की टीम हर एक जगह मुहैया है, एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर चौकन्ने के साथ अपने कार्यों को निभाने में लगी हुई है। बाढ़ प्रबंधक की टीमें अलग अलग जगहों पर है। नेपाल से छूटने वाले पानी की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार से बांध ना टूटे और जो अंदेशे हैं, जो बाढ़ आते हैं या बाढ़ ना आ सके। आपको बताते हैं कि बिहार में हर एक साल बाढ़ आता है और यह बाढ़ काफी लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसको देखते हुए सरकारों ने अभी तैयारियां करना शुरू कर दिया है, जिसमें बाढ़ के माहौल को दूर किया जा सके। हालांकि अब नीतीश कुमार जी द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, अलग अलग जिलों के बारे में जायजा ली जा रही है। जिस जिले में ज्यादा पानी है, जिस जिले में सबसे अधिकतम प्रभावित है, वो जिलों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जी हाँ अच्छे मुहैया चीजों को कराया जा रहा है, ताकि वहाँ की अच्छे लोगों को सुविधाएं मिल सके। तो अब सरकार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसको लेकर बाढ़ को निजात दिलाने के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। अगली बड़ी और मुख्य समाचार कर बढ़ते हैं। बिहार के कई जिलों में पूरी तरीके से कोविड-19 की वैक्सीनेशन के कार्य को लेकर तहलका मचा। दरअसल विदेश जाने वाले लोग और कमाने जाने वाले लोग, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले लोग पहली वैक्सीन की डोज के लिए और कुछ लोग दूसरी वैक्सीन की डोज के लिए लगातार लंबी लाइनों में लगे खड़े रहे।
वैक्सीनेशन के सेंटरों पर मारामारी हुई। कई जगहों पर कल को खासकर शनिदेवल की एक्टिंग की गई तो कई जहां सेंटरों पर लोगों के अंदर कोरोना का खौफ हो गया। बगैर मास्क और बगैर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। बिहार के कोविड-19 के सेंटरों पर और वैक्सीनेशन के सेंटरों को देखने के बाद में लगता है कि भेड़ बकरियों की बाजार है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोरोना का खौफ और ना ही डर कोरोना की सुई लेकर जाने वाले लोगों को है। आपको बता दें कि जिस कोरोना से बचने के लिए लोग सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं, वो कोरोना पहले ही हो जाएगा। अगर आप भी बिहार के कोविड-19 सेंटरों का हालात देखें तो हालांकि सरकार ने अपनी आंखों पर काली पट्टियां बांध रखी हैं, जिससे कुछ भी नजारा ना देखा जाए। अगली बारी और मुख्य समाचार को बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया और बेहद जल्द सरकार गिरने का भी वादा कर दिया। दरअसल आज यहाँ आपको बता दें कि चिराग पासवान अलग अलग जिलों में जाकर आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, और इस आशीर्वाद यात्रा की खास बात यह है कि यह पिता के जयंती पर शुरू किए जाने वाली आशीर्वाद यात्रा है। जहाँ से शुरू किया गया है, हाजीपुर से शुरू किया गया इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए जिया चिराग पासवान जिया लोगों का समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच कई जिलों में जिया समर्थन प्रदान करने के दौरान कई ऐसे जिले हैं जहां पर जिया चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। चिराग पासवान के पार्टी के लोगों में घमासान है। एक तरफ पशुपालित नाथ को लेकर तो दूसरी ओर चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को लोजपा को और यहाँ युवाओं को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करने वाले हैं, और उन्होंने फर्स्ट बिहार का नारा दिया, कई ऐसे चीजों का नारा दिया, लेकिन अब वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बनी सरकार करप्शन और लूट की है, जिसे देखते हुए सरकार गिराया जाए इस तरीके की लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस दिन होगा पंचायत चुनाव, हाईटेक प्रोफाइल तरीके से लिया जाएगा इस बार का पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को कब कराया जाएगा इसके बारे में जानकारी बताएं। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे आप भी अपने पंचायत का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पंचायत का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने पंचायत और मुखिया का नाम जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं आज की पंचायत चुनाव की बड़ी खबर से। पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के साथ हाईटेक तौर तरीकों से इस बार का जो चुनाव कराया जाए, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। तैयारियों के अंदर इस बार खासतौर पर इसकी ध्यान देने की जरूरत की गई है कि किसी प्रकार से धांधली ना हो, क्योंकि अब सरकार ने उन तमाम इलाकों पर कवर करना शुरू किया है और उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी कैमरे का फुटेज और वीडियोग्राफी की मदद से तमाम जानकारियां ली जाएंगी और मतदान केंद्रों को सही ढंग से रखा जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।